देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है, एक क्वेश्चन आ जाता है संख्या किसे कहते हैं, है ना, यह संख्या क्या है, ध्यान देना, है ना। एक क्वेश्चन आ जाता है कि संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो देखो पहले नंबर ये समझो संख्या को नंबर कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं, नंबर नंबर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि संख्या क्या है, तो जैसे देखो आप कहते हो ना, जैसे मैं कह दूं मैंने पता है आम खाया, आपका दोस्त सर आपने कितने आम खाए, तो मैंने क्या कहा, मैंने 10 आम खाए, मान लो, मानने में क्या है ना, मैंने कितने आम खाए, 10 आम खाए, है ना। तो ये जो 10 क्या है, संख्या है, 10 क्या है, संख्या है। मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक तो अगर एकदम डिफिनेशन के लेवल से देखें तो भाई सिंपल सा आप कह सकते हो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे पता चलता है उसी को कहते हैं संख्या। या आप सीधा कह दो कि संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है, ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, अंकों से होता है। संख्याओं का निर्माण किससे होता है भैया, अंकों से होता अंकों है। से होता है। अब ये तो पता ही है ना, अंक कितना होता है, अंक कितना होता है, 10 होता है। दस है, अंक कुल कितने अंक हैं, 10 है, 10 जी हैं, जीरो जीरो से लेकर 9 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नौ है ना, 10 नौ नहीं नौ है, 0 से लेकर 9 तक ये क्या होता है, अंक होता है। तो संख्या का निर्माण किससे होता है, अंक से होता है। जैसे आप देखे होंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या आप कहते हो 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आप कहते हो 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आप क्या कहोगे, 100, है ना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10000, है ना। 5 अंक कह रहा है तो 1 लिख दो और 4 0 लगा दो, 5 हो गया, क्लियर है। इसी तरह 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो मतलब अभी आपने देखो ओवरऑल तो यही देखा कि अंक जो है ना, देखो एक चीज़ और समझो, अंक को कहते हैं डिजिट, अंक को क्या कहते हैं, डिजिट भी कहते हैं इंग्लिश में डिजिट। अब अंक आपने कहा 10 है, अंक आपने क्या कहा, 10 10 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरह से। तो देखो एक चीज़ और समझो, है ना, पहले 0 नहीं आया था, 0 का तो डिस्कवर, 0 का आविष्कार बाद में हुआ था, ठीक, पहले केवल इतना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब पहले 9 ही था, समझे, 0 का आविष्कार तो बाद में खोजा गया, 0 की खोज बाद में किया गया, क्लियर है। तो अभी देखो ये जो लिखा है ना 1 से लेकर, अभी हम कुछ देर 0 को हटा देते हैं, ठीक है, ये जो लिखा है 1 इस तरह से लिखा है ना, समझ में बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ये इंटरनेशनल लेवल से लिखा जाता है, ये इंटरनेशनल लेवल से लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल से लिखा गया, मतलब आप पूरे विश्व में कहीं भी जाओगे तो 1, 2, 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। लेकिन अभी ध्यान दो, अगर मैं मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1, है ना, 2, 3, समझ पा रहे हैं ना, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अब आप अगर आप प्राइमरी में पढ़े होंगे तो अब तो भाई कोई पंगा ही नहीं, समझ में आ ही गया होगा, प्राइमरी में यही तो गिनती रहती है 1, 2, 3, 4, इस तरह से, जिसको हम कहते हैं हिंदी वाली गिनती, है ना। इसका सही नाम है ना, इसका सही नाम है देवनागरी, हाँ, इस गिनती का नाम क्या है, देवनागरी गिनती, इस तरह से। अभी भी आप कोई भी नोट देखो तो नोट में इस तरह की गिनती रहती है कि नहीं, या कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार 7 जलेबी छान दिए, 9 में 3 रसगुल्ले, है ना, इस तरह से बना है। तो ध्यान देना ये भी जानना, पहले यही अभी भी प्राइमरी में आप देखोगे तो गिनती इसी भाषा में लिखी रहती है, या पहले के लोग हैं उनको ये वाली गिनती लिखना ज़्यादा सूटेबल लगता है ना, समझे इतना। तो ये देवनागरी, इस गिनती का नाम क्या है, देवनागरी है, इस गिनती का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वाली गिनती, है ना। अच्छा अब एक गिनती तो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो तो पता ही होगा, इस तरह से, यस
आई या इस तरह से इस्तेमाल में कर दो, डबल आई है ना इस तरह से इस्तेमाल में कर दो, है ना, ट्रिपल आई ठीक इस तरह से इस्तेमाल में कर दो, थ्री आई है ना, और यहाँ आई और भी ये क्या हो गया तुम्हारा, इस तरह से इस्तेमाल में कर दो, क्लियर है ना, और यहाँ पर जो है भी इस तरह से आप क्या कर दो, इस्तेमाल में कर दो, ठीक। और इसके बाद में भी आई, देखो भी आई इस तरह से इस्तेमाल में कर दो, और भी डबल आई यहाँ भी इस्तेमाल में कर दो, क्लियर है ना, और भी ट्रिपल आई, क्लियर है, इसको क्या कर दो, इस्तेमाल में आप कर दो, क्लियर है, इस तरह से। और यहाँ पर जो है आई एक्स, ठीक, आई एक्स ये क्या हो गया, नौ हो गया, इस्तेमाल में कर दो आई एक्स, तो ये वाली गिनती है, तो इस वाली गिनती को कहते हैं रोमन काउंटिंग, है ना, क्या कहते हैं, रोमन काउंटिंग, आप सुने भी होंगे रोमन काउंटिंग या रोमन गिनती मैथ में, है ना, हाँ रोमन अंक, क्लियर है, तो ये क्या है तुम्हारा रोमन, तो रोमन अंक से रोमन गिनती बनेगी, क्लियर है, ये रोमन है, इसको हिंदी में ऐसे रोमन ही लिखा जाएगा, क्लियर है, समझ में आए, तो इस तरह से आई डबल आई ट्रिपल आई मैथ में ऐसे तो रहता है ना नंबरिंग, आप भी कभी करते हो, ये रोमन से आप बनाते हो फर्स्ट ऐसे, है ना, फिर ऐसे लिखते हो सेकंड, ये कहाँ से आता है, रोमन से ही तो आता है, अच्छा समझ में आया ये वाली गिनती। एक चीज़ और थोड़ा अगर समझना है तो भाई, ठीक है, देखो एक ऐसे कुछ बनती है इस तरह से रहती है ना, दो इस तरह से रहती है, ये तो हवा ही नहीं लगेगा, ठीक, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है, अरे उर्दू भाषा है, हाँ ये उर्दू भाषा, देखो उर्दू भाषा में पांच को उल्टा दिल कर दिए, ठीक, ऐसे लिखा जाता है, अब कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये छः हो गया, ठीक है, ये सात हो गया तुम्हारा, ये आठ हो गया, देखो उर्दू भाषा वाला, और ये क्या हो गया, नौ हो गया, यहाँ मोटा कर दिया, नीचे कर दिया, ये उर्दू भाषा है, मतलब अरबी है, अभी मारो अरबी को गोली, ठीक है, ये वैसे भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक, अगर आप इतना जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, बाकी ज़्यादा कौन पॉपुलर, यही तीन तो है ना, अच्छा एक और है, एक और है, अब कहोगे वो कौन है, गिनती में बात करें तो एक ओ यानी वन आता है, टी डब्ल्यू ओ टू आता है, है ना, टी एच आर डबल ई थ्री ये वाला आता है, एफ ओ यू आर फोर इस तरह से, मतलब इसको कहते हैं आप इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में हंड्रेड तक आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, अरे भाई इंग्लिश में 66 ऐसे थोड़ी, वहाँ एस आई एक्स टी वाई 60 एस आई एक्स ऐसे तो लिखा रहता है, ये वाली काउंटिंग, ठीक है। और एक काउंटिंग और, अब पूछो क्या है वो, वो भैया हिंदी में इसी को, जैसे वन मीन्स होता है एक ए और का, टू मीन्स होता है दो दा पर ओ का मात्रा, थ्री मीन्स होता है तीन ता पर बड़ी का मात्रा और ना, है ना, फोर मीन्स होता है चार चा पर आ का मात्रा और रा चार, इस तरह से चलता है, क्लियर है, तो संस्कृत में होता है, एक संस्कृत में, अभी संस्कृत को हटाओ क्योंकि संस्कृत का क्रेज खत्म हुआ है ना, तो अभी देखो प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा चल क्या रहा है, क्लियर है, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये भी यूज होता है, रोमन काउंटिंग होता है, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ देवनागरी भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसको याद रखना है क्योंकि हिंदी की जो लिपि है ना वो देवनागरी लिपि, तो भाई अपना हिंद देश के वासी अगर हिंदी वाली गिनती ना जाने तो बेकार है, हाँ हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदी वाली गिनती नहीं आई तो भैया क्या करोगे, इसको तो जानना जरूरी है, समझ में आया, हाँ। अभी कैलेंडर एक आता है 10 रुपये वाला कैलेंडर, उसमें भी गिनती यही लैंग्वेज में लिखी रहती है, आप कभी देखना ऑब्जर्व करना तो वहाँ मिल जाएगी ऐसे, क्लियर है, अभी समझ में आया, तो देखो यहाँ से अब आपको आज का वर्क क्या है, देखो ये चीज़ें बेसिक तो हैं लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक, आपको ये क्या करना है, 100 तक लिखना है, ये क्या करना है, हाँ होमवर्क है, हाँ फेयर कॉपी में करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है, हाँ अभी ऐसे पहले तो ऐसे लिख लेना है, फिर यहाँ पर ऐसे वन बाई वन, जैसे एक यहाँ उठा दो अंतर्राष्ट्रीय गिनती, यहाँ पर ऐसे लिखो अंतर्राष्ट्रीय गिनती, हाँ भैया ठीक है, मुझे पता है आता है तो ठीक है, इसे भी लिख दो, है ना, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय गिनती कहेगी देखो मेरे साथ है ना इंसाफ ही कर रहे हैं, ये भी कर देंगे, हाँ अंतर्राष्ट्रीय गिनती क्या करना है, 1 से 100 तक इस तरह से, फिर ऐसे, हाँ दूसरा देवनागरी गिनती 1 से 100 तक, नहीं अरबी नहीं करनी है, परेशान ना हो, हम
तुमको उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, उर्दू मुझे खुद नहीं आता, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, देवनागरी क्लियर है, देवनागरी 1 से 100 तक, फिर रोमन काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक, और इधर ये वाला मतलब 5 गिनती आपको लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 रोमन को अरबी को मारो गोली, हटा दो यार ये टेंशन ही खत्म। ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ आपको 5 काउंटिंग लिखना है, इसको ऐसे हल्के में मत लेकर चलना। ठीक, 40 की स्पेलिंग क्या होगी बताइए जरा सा, इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में, F O R T Y है ना, ये होगा सही या FOURTY ये होगा सही? ये सही है, है ना, और ये क्यों गलत है? हाँ तो देखो कन्फ्यूजन यही रहता है आपको, कन्फर्म है अच्छी बात है लेकिन कन्फ्यूजन यही होता है कि 40 बच्चे यू आर बता देते हैं, जबकि हाँ 14 की स्पेलिंग बताऊँ, 14 की स्पेलिंग बताऊँ, FOR TEE देखो आप भी गलत कर दिए भाई, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, है ना, इसकी 14 की स्पेलिंग होगी FOURTEE। अब समझ में आया मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? अगर भैया अभी भी तुम्हारे दिमाग में सेट हो सर आप बच्चों वाला करवा रहे हो तो मत करना, मैं पूछ लूँगा। ठीक है, मैं इसीलिए एक बार लिख लोगे तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, जैसे अभी 40 बता दी हाँ ठीक है यहाँ फंस गए क्योंकि इसी फ्लो में आप बह गए, बहना नहीं है, समझना है चीज़ें कैसे क्या होती हैं। क्लियर है, समझ में आया?